प्रज्ञा उपाध्याय वय 27 असे आत्महत्या केलेल्या विवाहित महिलेचे नाव असून वाशी सेक्टर 1 येथील राहत्या घरात तिने गळफास घेतला। पती मनीष समवेत ती राहत होते। दोघेही उच्च शिक्षित होते। मद्याची प्रचंड किळस प्रज्ञाला होती। त्यात पती कधीतरी मद्यपान करत असल्याने त्या विषयावरून दोघांचे अनेकदा वाद होत होते। अशी पार्श्वभूमी प्रज्ञाच्या आत्महत्येच्या घटनेशी जोडली जात असून तिच्या माहेरच्यांनी पतीविषयी संशय व्यक्त केलाय। ऐसा है, हम लोगों ने बाडी देखा है। बाडी में यहाँ पे इंजरी है और उसके कान से ब्लड बह रहा था। फांसी लगाने पे वी शेप होता है, कोई वी शेप नहीं था। चेहरा काला था। हाँ, रूम पर भी गए थे। रूम पर जो है कोई रस्सी लगी ही नहीं थी और कोई कुर्सी वगैरह गिरी ही नहीं थी कि फांसी लगा ले। और जो उन्होंने दरोगा जी ने जो पहला पिक्चर हमको दिखाया, वो लड़की गिरी हुई थी ज़मीन पे पेट के तरफ और गला उठा हुआ था, गले में एक रस्सी फंसी हुई थी। ऐसे सुसाइड नहीं होता है। फ़ोन तो लड़की हमेशा रोज करती है। हाँ, तीसरा कोई रहता ही नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये जो है इसको इन लोगों ने यहाँ की पुलिस ने सुसाइड डिक्लेयर किया तो मैं आपको कह रहा हूँ दावे के साथ ये पुलिस इनसे मिली हुई है और ज़रूर पैसा ले ली है, क्योंकि ये सीधा सीधा मर्डर हमको दिखाई दे रहा है। गले में रस्सी बांध के लटक के जमीन पर गिर के कोई किसी का सुसाइड हो पाएगा? सीलिंग की हाइट 8 फीट है और लड़की की हाइट 5-7 फीट है। हाँ, बात हुई थी हमसे, लेकिन उसने ऐसा कुछ बताया नहीं मेरे को कि ऐसा कुछ हमारा चल रहा है या कुछ ऐसा टेंशन वगैरह चल रहा है, कुछ भी नहीं। हम नॉर्मली बात किए थे। मुझे तो नहीं लग रहा है कि उसने सुसाइड किया है 100%, क्योंकि वो ऐसी लड़की थी ही नहीं। वो बहुत ही बोल्ड थी। वो ऐसे अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करने वाली वो लड़की थी। वो इतनी जल्दी हार मानने वाली लड़की नहीं थी। दो अभी ये हमारी 29 जनवरी को उसकी दूसरी शादी की सालगिरह थी। ऐसा कुछ दहेज वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, दहेज की कुछ भी मांग नहीं थी। वो हमारे समझ से तो उस टाइम तक हम अच्छे से वो बातें करते थे। अभी उनका कहना तो ये है कि उसने सुसाइड किया है, घर में चोरी हुई है, चोर आया है, चोरी करके गया है, मार के गया है। तो एक बात कोई मतलब बोलता है, हाँ कई बातें हो रही हैं उसमें। मतलब कोई एक चीज़ होती तो हम भी विश्वास करते, लेकिन वो बार 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 अलग अलग बातें कर रहे तो किस पर विश्वास किया जाए। उनके पास ही हमने छोड़ा था ना, हम तो थे नहीं। हमने तो 28 साल उसको रखा, कुछ भी नहीं हुआ, उसको खरोंच तक नहीं आई 2 साल में उसके साथ इतना सब कुछ। अशात मृत महिलेचा पती मनीष याने पोलीस जबाबात आपली बाजू मांडली। सध्या या प्रकरणी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोलिसांच्या हाती आला असून आत्महत्या केल्याचे त्यात आढळून आले आहे। तरी देखील सर्व बाजूने तपास करण्याचे पोलीस निरीक्षक चेतन काकडे यांनी सांगितले। दोघांची जबाब घेत आहोत। तिच्या नवऱ्याचे CDR काढून अॅनालिसिस करतो। त्यांच्या समोर घरासमोर जे CCTV कॅमेरा जे योग्य त्यात जसा पुरावा मिळवेन त्याप्रमाणे आम्ही कारवाई करणार आहोत। आम्ही पडताळत आहोत, म्हणजे त्यांचा जर नवऱ्याविषयी शंका असेल तर तो ही घटना घडली त्यावेळेस तिथं हजर होता का, त्याच्या कार्यालयात होता का, ते सर्व आम्ही माहिती घेत आहोत। तपास करून जर तसं जर म्हणून आला अपरा होता आम्ही त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करू। तिचं विशेरा नखे हे सगळं आम्ही पाठवलेलं काय विषयाचं काय आहे का त्या संदर्भात आम्ही तपास करत आहोत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश सह पंकज आणि योगेश यांचा रिपोर्ट।